नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में सीनियर कंसल्टेंट पद पे कार्यरत हूँ। आज हम वर्ल्ड इनकॉन्टिनेंस वीक के उपलक्ष्य में यूरिनरी कंट्रोल ना होना, यूरिन इनकॉन्टिनेंस अर्थात यूरिन का लीकेज हो जाना, इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जब से बच्चा यूरिन कंट्रोल करना सीख जाता है, जनरली 1 या 1.5 साल की उम्र के बाद से, उसके बाद से एज किसी भी एज में अगर यूरिन का कंट्रोल छूट रहा है तो वो काफ़ी चिंताजनक बात है। बच्चों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्रमुखता देखा जाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी बहुत जल्दी जल्दी पेशाब जाते हैं, या फिर रात में सोते समय पेशाब बिस्तर पर हो जाना। इसके अलावा एडल्ट एज में महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में ही यूरिन का इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन देखी जाती है। ये कंडीशन अर्ज इनकॉन्टिनेंस के फॉर्म में हो सकती है, अर्थात पेशाब में का एकदम अर्जेंट सेंसेशन आता है और जो भी व्यक्ति होता है वो पेशाब के सेंसेशन या अर्ज या इच्छा को डिले नहीं कर सकता, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है खांसते या छींकते समय पेशाब छूट जाना। ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा कॉमन कंडीशन है तथा सभी एज वर्ग की महिलाओं में देखी जाती है। पुरुषों में अर्ज इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा कॉमन है और ये प्रमुखता प्रोस्टेट की कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। ओल्ड एज में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में ये कंडीशन देखी जाती है। यंग एज में ओवर एक्टिव ब्लैडर तथा प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में ये स्थिति देखी जाती है। महिलाओं में जब अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है तो उनको यूरिन बहुत बार बार जाना पड़ता है। इस कंडीशन में वो यूरिन के सेंसेशन को डिले नहीं कर पाते और उनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड हो जाती है, और जहाँ कहीं भी जाने से पहले वो इस बारे में सोचते हैं कि उनको वहाँ वॉशरूम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर होल्ड करने में फिर यूरिनरी लीकेज हो जाता है। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तथा अर्ज इनकॉन्टिनेंस दोनों देखे जाते हैं, और ये कंडीशन सभी एज वर्ग की महिलाओं में काफ़ी हद तक देखी जाती है। स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है। ये सारी ही कंडीशंस बच्चों से लेके बड़ों तक में जो भी यूरिन का लीकेज की प्रॉब्लम्स हैं ये पूर्णतः क्योरेबल हैं, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से पेशेंट सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इसमें मेरी सलाह यही है कि अपने डॉक्टर से इसके कारण के को जानने के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में ज़रूर संपर्क करें, और इसका सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके यूरोलॉजिस्ट के पास उपलब्ध रहते हैं, तो अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर या ऑनलाइन कंसल्टेशन के फॉर्मेट में आप इसके बारे में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट या जांचें जो होती हैं उसमें यूरिन के फ्लो की जाँच है, ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड होता है, यूरिन में इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए यूरिन रूटीन, कल्चर एग्जामिनेशन, ये जांचें होती हैं। इस कुछ स्पेशल केसेस में यूरोडायनेमिक स्टडी करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित चेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोस्टेट की कंडीशन के साथ में काफ़ी हद तक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या देखी जाती है। ट्रीटमेंट जेंडर, एज पे निर्भर करता है और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पे निर्भर करता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर प्रमुखता मेडिकेशन से ट्रीटेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे कुछ इंजेक्शन थेरेपीज आती हैं जो ब्लैडर में बोटॉक्स इंजेक्शन के द्वारा ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कम किया जा सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट सर्जरी के बाद में काफ़ी हद तक ओवर एक्टिविटी में रेजोल्यूशन देखा जाता है। एक्सट्रीम केसेस में सर्जिकल ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, मोस्ट केसेस में मेडिकल थेरेपी द्वारा पेशेंट क्योर हो सकता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है और चाइल्ड बियरिंग के बाद होता है, पेल्विक फ्लोर की मस्कुलेचर की वीकनेस की वजह से होता है, उसमें सर्जिकली यूरेथ्रा की सपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है मैश के द्वारा, और ये कंडीशन पूर्णतः क्योरेबल हो जाती है। इन सभी ऑप्शंस को जानने के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। नमस्कार।